अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। पता है ना वो लड़की कौन है? मैं जानती हूँ। अर्चना, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल उसी वक्त था जिस वक्त मुझे तुमसे प्यार हुआ था। मेरी खुशियां तुम्ही से हैं और रहेगी। मेरी जिंदगी खुशी आपसे थी, आपसे है और आप ही से रहेगी। अब दवाई का वक्त हो गया, दवाई ले लीजिए। So, how are you, Mr. Deshmukh? बेटा, एक गुड न्यूज है आपके लिए। आज हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। बस कुछ दवाइयाँ रेगुलरली लेनी होगी और कुछ टेस्ट करवाने के लिए आपको यहाँ पीरियोडिकली आना होगा। मिसेस देशमुख, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दवाइयों के लिए समझा देता हूँ। आइए जी। मानव, मैं आई हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मेरी परी आज अपनी आजी के घर जाएगी, है ना? वहाँ सब मेरी परी को कृष्णा कहेंगे। सब परी का वेट कर रहे होंगे। आहा, अर्जुन, तुम सही कह रहे थे। मेरी लापरवाही की वजह से ही वो डील हमारे हाथ से चली गई। हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है। हाँ, करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे? उर्फी मेरी पत्नी है, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं मीटिंग के लिए नहीं जा सकी तो एटलीस्ट मुझे क्लाइंट से खुद बात कर लेनी चाहिए थी। वो फोन पर भी मुझसे बात कैसे करती? उसे कहाँ पता था कि मैं गोवा में हूँ? मैं बेवजह इतना डांट दिया उसे। मुझे अर्जुन से माफी मांग लेनी चाहिए। गलती मेरी है, मुझे पूर्वी से माफी मांगनी चाहिए। गीता, जरा परी का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। I'm sorry. Actually, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने बेवजह तुम्हें इतना चिल्ला दिया। नहीं, I'm sorry अर्जुन, मैंने मीटिंग को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया। नहीं, एक्चुअली गलती मेरी भी है, मैंने आई थिंक थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। I'm sorry. It's okay. बता, आई ने मुझे क्या बताया था? क्या? आई ने मुझसे कहा था कि एक पति पत्नी को पहले एक अच्छा दोस्त होना जरूरी होता है। और अर्जुन, हम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी हमने झगड़ा किया। या, इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं। Okay, you know what? हम आज के बाद ऐसे झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और हमारे रिश्ते को प्यार और दोस्ती से आगे बढ़ाएंगे। I promise. आज के बाद हमारा रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ेगा। अर्जुन, हमें आई के यहाँ जाना है, वहाँ जन्माष्टमी की पूजा है, तो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाऊँ, ठीक है? Okay. एक सेकंड। अर्जुन, क्या कर रहे हो? हो जाएंगे ना रेडी। अर्जुन, ये देर बाद। प्लीज ना रेडी। जयराम जी की मैडम जी, हमारे बाबा की रिपोर्ट तैयार है का? तुम्हारे बाबा मतलब? हमारा मतलब मानव देशमुख की रिपोर्ट तैयार है का? ओके सर, एक मिनट, मैं चेक करके बताती हूँ। तो हम? अरे अनिल बाबू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा को तो कब का डिस्चार्ज मिल गया? हाँ, वो तो मिल गया, लेकिन हम रिपोर्ट लेने आए हैं।
उकाया जन्माष्टमी के जश्न के लिए सब घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो हमरे को आना पड़ा। अच्छा सर, उनकी रिपोर्ट्स रेडी है, बस थोड़ी देर में वार्ड बॉय लेकर आएगा। अरे मैडम जी, कहिए जल्दी लेके आए, हमरे को दही हांडी फोड़ने जाना है। जी ठीक है। अरे अनिल बाबू, आप भी आइए ना दही हांडी फोड़ने। अरे का त्योहार होबत है, नाश्ते गाते लोग ये ऊंची लगी हुई हांडी ऊपर चढ़ के फोड़ना होता है उको। और जब ऊपर जाते हैं वो नारियल हाथ में आता है ना, ऐसा लगता है जैसे दुनिया जीत ली हो। अब्बल थे बिहार में। अच्छा तो बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे भी बहुत खुशी होती अगर मैं तुम्हारे साथ आ पाता तो, लेकिन क्या है ना, मैंने अभी अभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है और आज तो मुझे दो दो ऑपरेशन करने हैं, तो अफसोस मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे कोनो बात नहीं अनिल बाबू, पहले काम बाकी सब बाद में, हमारा भी यही उसूल है। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर कॉम्पिटिशन। धन्यवाद। अब ऑनर यहाँ है, इका मतलब गौरी भी आज काम पर आई होगी, इका मतलब वो हमारे साथ तई आंडी में शामिल नहीं हो पाई। ओ, मैडम जी, डॉक्टर गारी का है? वो आज नहीं आई है, वो आज छुट्टी पर है। हाँ मिस्टर संदीप, आपके लिए गुड न्यूज है, आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, आप घर जा सकते हैं। एक मिनट, डॉक्टर गौरी कहाँ है? मेरा केस तो डॉक्टर गौरी हैंडल कर रही थी ना। अभी वो दूसरा केस हैंडल कर रही है, मैं आपका डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाती हूँ, आप घर जा सकते हैं। ओके हाँ मित्तल अंकल। संदीप, तुम्हारा केस लड़ने के लिए लॉयर मिल गया। जी देशमुख, सचिन देशमुख नाम है उसका। बट अंकल आपने उसको केस की सारी डिटेल्स तो बता दी है ना? हाँ मैंने सब बात कर ली है, डोंट वरी। उसे थोड़ा ज्यादा पैसों का लालच दे के पटा ली। अच्छा वो अभी तुमसे मिलने आएगा तो तुम बात कर लेना, ठीक है? ओके अंकल। हाँ अरे सचिन दादा, यहाँ क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट लेने तो हम आए हैं ना। Are you Mr. मानव देशमुख सन? मतबल? आप मिस्टर मानव के बेटे हैं? जी। ये लीजिए आपके बाबा की रिपोर्ट। धन्यवाद। ओके। दीदी, पूरी तुम्हें नहीं लगता कि एक साल में कितनी सारी चीजें बदल गई? मतलब ये कि पिछले साल दही हांडी पे ये दही हांडी बाबा के साथ मैं फोड़ रहा था, याद है? तुम्हारी चौल में आया था रहने, अपने आपको प्रूफ करने कि मानो बाबा अर्चना आई पूर्वी के लिए सबसे अच्छा लड़का मैं हूं। देखो आज यू माय लीगली वेडेड वाइफ। अर्जुन, उस टाइम का भी अलग ही मजा था ना, तुम्हारा गैराज में काम करना और तुम्हारा मेरे लिए खाना लेकर आना। पूर्वी, सचिन दादा को देखा क्या? अब हाँ, अभी अभी ऊपर गए। ठीक है दादा। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये किस लिए? क्योंकि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज के दिन मुझे मेरे सोहम दादा वापस मिले थे। भी माफ कर दे हमरे को, थोड़ा अपहरण करके तोरे साथ। मैं जानती हूँ आपने मेरा अपहरण किया था, लेकिन मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। इनफैक्ट तब तो हम दोनों ही ये नहीं जानते थे कि हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन आपको पता है फिर भी मुझे आपके साथ बिताए हुए पल में ऐसा एहसास होता था कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं।
दांतों पर ठीक तो है ना? चोट तो नहीं आई तुझे? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उसे अपने साथ ऊपर मत लेके जाओ। क्यों लेके गई तुमसे अपने साथ? अरे हम जान के नहीं गिरा वो, हमरे को पानी आंख में आ गया तो। जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो क्यों लेके गए उसे अपने साथ? सचिन, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से अतुल बिल्कुल ठीक है। सब लोग वहां मस्ती कर रहे हैं और आप यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं। अबे चलिए ना, नॉट डन। हमरे को नहीं आना, हमरा हम थक गए। थक गए इतनी जल्दी? देखो ना कितनी मस्ती हो रही है, सब लोग कितना डांस कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। दादा एक मिनट, देना देना। अच्छा खड़े हो, खड़े हो ना। बाबा आज से पहले ये मटकी मैं ही फोड़ा करता था, आज मेरे बेटे फोड़े। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। सारी दादा माफी दीजिए। क्या प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारी? दादा माफ कर दीजिए, वो हम गलती से लग गया, हम गुब्बारे खेल रहे थे, गलती से आपको थोड़ा लग गया, माफ कर दीजिए। तुम थक नहीं जाते गलतियां करते करते? सांस कम लेते हो, गलतियां ज्यादा करते हो। तुम्हारी हरकतों की वजह से लोग हर्ट हो जाते हैं। इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें सोहम? माफ कीजिए साहब, छोटी सी बात को बेवजह इतना बड़ा। छोटी सी बात? तुम इन सब चीजों को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो सोहम? गुब्बारे की वजह से मेरा कान फूट जाए, छोटी सी बात। अतुल ऊपर से नीचे गिर जाए, छोटी सी बात। शुक्र मनाओ सोहम, मैं उस वक्त वहां मौजूद था, वरना। हम जान के नहीं गिरे, हम अच्छे से चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते हमारी आंख में पानी आ गया तो हमारा पैर फिसल गया। ये तो गिरता नहीं हमें, माहिर हमें। अच्छा अगर तुम इतने ही माहिर हो तो अतुल ऊपर से गिरा कैसे? सोहम तुम इस बात को हद से ज्यादा लाइट ले रहे हो। तुम्हारे लिए भले कुछ नहीं हुआ लेकिन औरों के लिए अगर आज अतुल को एक रोच भी आ जाती तो लेने के देने पर जाती, तुम पर केस हो जाता, झक मारकर मुझे लड़ना पड़ता। और वैसे भी तुम्हें तो आदत है ये सब केस वेस की। बस करो दादा, हमरे केस वेस की बात ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम जेल के चक्कर काटे हैं तो आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? आप भी अपने धंधे और पैसे के लिए गलत सलत लोगों के साथ काम करते हैं, केस लड़ते हैं उनका। कानून मंत्री का काशीनाथ और उस संदीप उनका केस लड़ रहे हैं ना आप? दादा आपको पहले भी बताए हैं और ये बार भी कह रहे हैं, वो आदमी अच्छा नहीं है, लफड़ेबाज आदमी एक नंबर का। अच्छा? हाँ दादा, आप नहीं जानते गौरी के साथ क्या किया उन्हें। एक मिनट, पहली बात कौन सही है और कौन गलत, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, ये मेरा प्रोफेशन, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। और वैसे भी मैं अपने क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री जानने के बाद ही उस केस में हाथ डालता हूं। अच्छा, तो ये केस क्या लड़ रहे हैं? जॉन की वजह से बाबा को गोली लगी? बाबा पर गोली संदीप ने नहीं, किसी और ने चलाई थी। निशाना बढ़िया था दादा, और जॉन के ऊपर गोलियां बरस रही हो, सीधा साधा आदमी नहीं होगा। तुम बेवजह संदीप को टारगेट कर रहे हो। हम उनकी असलियत बता रहे हैं आपका दादा। स्टॉप इट सोहम, जस्ट स्टॉप इट। बहुत बकवास कर ली तुमने, अब इस बारे में मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। आपकी दवाई का टाइम हो गया, हम चलिए अंदर दवाई लेते। आपको पता भी उन्हें कहा क्या गोली के साथ? समझ का ही नहीं रहे आप, छेड़ा उन्हें गौरी को। फिर वही बात, दोनों को नहीं समझ रहा कि तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है सोम, तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है। और ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इस तरीके से झगड़ रहे हो? क्या हुआ है मुझे साफ साफ बताओ। आई, मैं आज तक अपना काम अपने तरीके अपनी मर्जी से करता आया हूं, लेकिन उसमें कोई दखल अंदाजी करे आई कांट टॉलरेट आई। और सोहम वही कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है आई, हम सिर्फ ये कह, तो बात बता
अगर हमारे को गड्ढा दिख रहा है और देख रहे हैं कि दादा हमें गिरने वाले हैं तो रोकेंगे नहीं का? ये सब क्या कह रहा है मुझे साफ साफ बता, खुल के बता मुझे। आई दादा संदीप का केस लड़ रहे हैं। वो संदीप है ना, संदीप वो मंत्री का बेटा, उसने गौरी के साथ बदतमीजी की है। सचिन देख, ये तेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, ये तेरा प्रोफेशन है, तेरा पूरा हक बनता है ये चूज करने का कि तू किसके साथ काम करना चाहता है और किसके साथ नहीं। लेकिन जहां तक मेरी राय है, संदीप के साथ मत काम कर, वो अच्छा इंसान नहीं है। देख मानव ने भी उसे देखा ना गौरी के साथ बदतमीजी करते हुए, तो फिर हो सकता है। लेकिन मेरे प्रोफेशन में ऐसे क्लाइंट्स मिलते रहते हैं, ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करने की जरूरत क्या है? और सबसे बड़ी बात, पता नहीं उसका कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। सचिन उसने देखा नहीं उसके साथ कैसे कैसे लोग आए? और कल को ये भी हो सकता है कि वो तुझे किसी गलत चीज में फंसा दे तो क्या होगा? और जो गौरी के साथ हुआ उसे तो संदीप की नीयत अच्छे से पता चल गई कि वो कैसा इंसान है। आई मैं एक एडवोकेट, मेरे क्लाइंट की पर्सनल लाइफ और उनका केस मैं दोनों को कभी मिक्स नहीं करता। और रही बात संदीप की, मैं सिर्फ उसका एक केस लड़ रहा हूँ, उसके बाद वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। देख सच, दिल की आवाज भी तो कोई चीज होती है। कल को अगर किसी निर्दोष को तेरी वजह से सजा हो गई तो, और जहां तक सोहम का सवाल है, वो गलत नहीं है, वो सिर्फ तेरा भला चाहता है और कुछ नहीं। और मानव के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार संदीप। अगर वो पार्टी में नहीं आता तो शायद मानव के साथ ऐसा कभी होता ही नहीं। हम दादा को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। दादा तो आशीर्वाद जी है ना, हमारे एरिया में क्यों? अरे कोई रेली वेली होगी ना। इस वक्त कहां से रेली वेली होगी? क्या हुआ? काशीनाथ जी आए हैं, वो राजनेता है ना, पता नहीं हमारी चौल में क्यों आए हैं। काशीनाथ शर्मा, वो यहाँ क्यों आए हैं? भाई हमारी चौल में कोई बहुत बड़ा नेता है, कहीं उस दिन वाले मामले को लेकर। अच्छा ही है अगर सवाल जवाब करने आए हैं, मैं भी उन्हें उनके बेटे की एक एक हरकत के बारे में बता दूंगा। ए, लगता है वो हमारे घर ही आ रहे हैं। हाँ। चलो बेटा अंदर चलो, चलो गौरी, अतुल तुम भी चलो, चलो बेटा। नमस्कार भाई। नमस्ते नमस्ते काशन जी, आइए ना आइए। अगर रजनी देखो कौन आया है, पानी लेके आना। नमस्कार बाबू, धन्यवाद। आप क्या लेंगे बोलिए ना, चाय कॉफी? नहीं चाय अभी नहीं। क्या है, मैं जिस सिलसिले में आप लोगों से यहाँ बात करने आया हूँ उसके लिए भाभी जी आपकी रजामंदी भी बहुत जरूरी है। आप बैठिए। कैसी रजामंदी? देखिए उमेश जी, मैं अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर चुका हूँ, अब बस आप लोगों की राय जानना चाहते हैं। ताई ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्यों आए यहाँ? अतुल तुझे क्या करना है, तू जाके अपनी पढ़ाई करना, चल भाग यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाभी जी मैं आपको समझाता हूँ, बात यह है कि मैं अपने बेटे संदीप के लिए आपकी बेटी गौरी का हाथ मांगने आया हूँ। अपने बेटे संदीप के लिए आपकी बेटी गौरी का हाथ मांगने आया हूँ। आशीर्वाद जी, आपकी और हमारी किसी मामले में बराबरी नहीं हो सकती। आपका ओहदा, आपका स्टेटस, आपका खानदान और हम लोग तो एकदम। अरे उमेश जी क्या बात कर रहे हैं भाई, ये मेरा ओहदा मेरा स्टेटस ये सब आप लोगों की ही वजह से। तो आम आदमी है तो हम हैं, मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान ही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक पिता हूं, और एक पिता के लिए उसके बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है।
अब भाई लड़की चाहे बंगले में रहती हो या चौल में, अगर मेरे बेटे को वो लड़की पसंद है तो वो लड़की शत प्रतिशत मेरे घर की बहू बनने लायक है। अच्छा तो अब ये चाल चली है उस नालायक ने कि हिम्मत कैसे भी अपने पापा के साथ ऐसा प्रपोजल भेजने की। जी आपका बेटा हमारी बेटी गौरी ने कभी इस बारे में हमें बताया नहीं। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल कुछ दिनों पहले मेरा बेटा संदीप हॉस्पिटल में एडमिट था और आपकी बेटी गौरी ने ही उसका इलाज किया। अब भाई गौरी ने उसकी इतनी अच्छे से देखभाल की कि हमारे साहबजादे जो हैं वो अपना दिल दे बैठे उसको। मना कर दिया, मुझे मना कर दिया। डैड उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? कोई हूर है, परी है, राजकुमारी है कहीं की? उसकी औकात क्या है? अरे शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। कैसे डैड, कैसे शांत हो जाओ? एक दो कौड़ी की मामूली सी लड़की ने मेरे प्रपोजल को मना कर दिया, मेरे। वो जानती है कि मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं मैं? यही तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बहुत ऊंचे हो, कहां तुम और कहां वो लड़के, हाँ? और तैश में आकर कुछ ऐसा वैसा काम मत कर दीजिएगा कि बनी हुई इज्जत मिट्टी बन। अरे एक लड़की ने मना कर दिया तो क्या हो? मैं एक से एक लड़कियों की लाइन लगा दूंगा आपके लिए। नहीं डैड, अब मुझे उसी से शादी करनी। इस बार मुझे मना करने के बाद अब मैं उसे अपना बना के ही रहूंगा डैड। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि संदीप काशीनाथ शर्मा अगर नीचे उतरने पर आए तो कितना नीचे उतर सकता है। मुझे पता है कि एक खूबसूरत लड़की को इतनी जल्दी सुबह सुबह उठाना अच्छी बात नहीं है। टाइम हो गया। तुम इतनी सुबह सुबह उठ गए? क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था, अरे मैं भूल गई। इट्स ओके, फिगर अबाउट दैट। मैं तुम्हारे लिए चन चन तुम्हारे लिए मैंने बनाई। तुमने बनाई है? हाँ मैंने बनाई। ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है तुम्हारे लिए। तो मुझे भी तो अच्छा लगता है तुम्हारे लिए ये सब करना। क्या फर्क पड़ता है तुमने क्या मैंने क्या की बात? अभी कौन से हम कन्वेंशनल, कौन से हम लोग एकदम टिपिकल हस्बैंड वाइफ, राइट? कैसी है? बहुत अच्छी है। रियली? क्या बात है, इतनी टैलेंट। हाँ आई नो, थैंक्स। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मेरे लिए बनाई है, मैं किसी और को नहीं दे सकती पीने को। ओके, तुम्हारा हस्बैंड इन शॉर्ट मैं, तो अगर ये मैंने बनाई है तो मैं पी सकता हूँ, राइट? एक सिप। नहीं अर्जुन, मैं एक ही सिप तो मांग रहा हूँ, पूरी क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हूँ। एक सिप मांग रहा हूँ ना, बीफ। मैं ये कितनी गंदी कैसी बातें कर रहे हो, मैं दूसरी बना के ला। एक काम करो, ये सब छोड़ो और अभी तुम ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हें मीटिंग के लिए जाना है ना? ऑफिस एक्चुअली ऑफिस है ना, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं करना। अर्जुन अर्जुन उठो, देखो रेडी हो जाओ और मुझे भी जाना है। मुझे आई के घर जाना है बाबा को देखने के लिए। चलो उठो उठो। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। अर्जुन उठो, चलो जाओ ऑफिस के लिए रेडी हो। रोमांटिक हो तुम। बाबा हम काम पे जा रहे हैं। तो हम कांदे पोहे बन गए, बस ये खा कर जा। आई बहुत देरी हो गई, पैसे जाए ना हमको। तुम तो बच्चा नहीं, रुक जा, मैं बोल रही हूँ, तक खा के जा। है आई, बैठ जा बेटा बैठ जा। तू जानता है तेरे आई के ऑर्डर मुझे भी मानने पड़ते हैं। गौरी आवा। हाय सचिन। हेलो अर्चना जी। अरे गौरी तुम? मानो सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक।
हेलो सोहम, तुम कैसे हो? ठीक है सर। वो एक्चुअली मुझे आपकी ड्रेसिंग चेंज करनी थी और रूटीन चेकअप भी करना था। मुझे देखना है कि आपका घाव कितना भरा है कितना नहीं भरा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपकी दवाइयाँ शुरू करूंगी। क्या बात है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे हॉस्पिटल का चक्कर तुमने बचा दिया, वरना डॉक्टर ने कहा था कि बेसिक चेकअप और ड्रेसिंग के लिए मुझे हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। सर मेरे होते हुए आपको हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत है? थैंक यू सर। हाँ मेरा चेकअप कर लो, ड्रेसिंग कर लो, लेकिन उसके बाद जाने की बात मत करना। अर्चना ने गर्मा गर्म पोहे बनाए, वो खा कर ही जाना, ठीक है? हाँ अर्चना, वो मार्केट से जो मैंने वड़ा पाव लाए हैं वो भी से दे दे। कितना काम करती है? मैं कितना काम करती? हाँ कितना काम कर रहा था? ये कोई बड़ा काम नहीं है सो। नहीं मेरे कहने का मतलब सिर्फ पोहा बनाना नहीं, लेकिन तू सुबह जल्दी उठती है, सबके लिए चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, बर्तन धोती है, कितना काम कर रहा था? बहुत काम करती हूँ ना मैं। बहुत ज्यादा सो? हाँ ये हर औरत का काम होता है, ये कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। और वैसे भी जो मैं करती हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए करती हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हम भी तो भैया कह रहे हैं, तो तोरे को नहीं लगता तेरे साथ कोई और भी होना चाहिए जो तेरा हाथ बटाए खाना बनाने में? मतलब भली कि कोई और हो जो तेरे साथ हर काम में, खाना बनाने में, बर्तन साफ करने में, सब कुछ में तेरा हाथ बटाए, फिर जैसे तोरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, धीरे धीरे ऊपर भी आ जाएगी, फिर तू रानी की तरह आराम करना घर पे। क्यों तू जो कह रहा है वो मेरी समझ में आ रहा है। वासो क्या आइडिया दिया है तूने, लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैंने क्यों नहीं सोचा? जानते थे तो हमने दिल की बात जरूर समझे। भाई तू ये गहने का ही देख रही है? आज ये किसी शुभ कार्य के लिए देख रही है। कौन है शुभ कार्य? दरअसल मैं और मानव गौरी के घर जा रहे हैं। तूने ही तो कहा था ना कि मैं अकेली कितना काम करती हूँ, तो मेरा हाथ बटाने के भी तो कोई चाहिए, तो बस अब सोच रही हूँ कि किसी को ले ही आऊं। हम कुछ समझे नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं और मानव चाहते हैं कि गौरी इस घर की बहू बने। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मुझे तो लगता है यही सही वक्त। तुझे नहीं लगता कि गौरी एकदम परफेक्ट है इस घर के लिए? हाँ हाँ एकदम परफेक्ट है। सुंदर है, सुशील है, डॉक्टर होने के बाद भी कितनी विनम्र है, और घमंड तो दूर दूर तक नहीं है। तुझे पता है मैं और मानव भी यही सोचते हैं गौरी के बारे में। लेकिन नहीं वो इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी का? पता नहीं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।